हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। मैंने कहा था कि दोपहर में कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी, सो उसी के अनुसार मैं अभी कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी, फिर इसके बाद मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने बैठे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम देखने वाले हैं कि क्या आपके दर्द और तकलीफ़ को आपके पर्सन महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या उनको महसूस होता है, यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो इसके पहले क्या करना है आपको, अपने एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, इसके साथ ही अपने पर्सन को भी याद करना है। ठीक, तो चलो फिर कैंडल को मैं जलाती हूँ। तब तक जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, माचिस बिना कभी कभी जो है ना जलती ही नहीं है। क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं फ़ैन बंद नहीं कर सकती, बहुत गर्मी है आज। ओके, चलो फिर मैं करती हूँ। कैंडल तो मेरा जल गया, चलो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। देखते हैं कि पहले देखते हैं आपकी फीलिंग्स, ठीक है, उसके बाद मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूंगी। ओके, ओहो, सो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ ज़्यादा ही आई थिंक आपके पर्सन ने अपने आप को या फिर अपने आप से जो है आपको अलग कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया है आपके साथ, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत बहुत आपसे जो है एकदम, जब भी आप कॉल करते हो या मैसेज करते हो एकदम से रूडली बिहेव करने लगते हैं। थोड़ा टाइम अच्छे से बात करते हैं जब इनका दिल होता है, जब इनका मन होता है, और अचानक से जो है ना इनका माइंड चेंज हो जाता है। आप भी नहीं समझ पाते हो कि अरे इस पर्सन को हुआ क्या, तकलीफ़ में तो बहुत हो आप, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और कुछ ज़्यादा ही दिखता है कि आप आजकल आई थिंक आज मतलब कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ मुझे फील हो रहा है कि इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है आपको कि आप जो है एक अकेले अकेलेपन रह रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, ये भी सोच करके ये हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है कि क्या मेरे दर्द और तकलीफ़ से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो वो पर्सन चेंजेस हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये सोच रहे हो। ठीक है, और हालांकि कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ठीक है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रह लूँगा या रह लूँगी उसके बगैर, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। आपका मुझे दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, देखो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है काफ़ी स्ट्रांग फील करते हैं आपके लिए, और आप भी काफ़ी स्ट्रांग फील करते हो अपने पर्सन के लिए, लेकिन अचानक से ऐसे बदलाव क्यों, ये सोच करके जो है आप टेंशन में हो कि अचानक से ऐसा बदलाव कैसे आ गया, अचानक से ऐसे इतनी ज़्यादा चेंजेस अचानक से कि उसे मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। आप इसी तकलीफ़ में हो, इसी दर्द में हो, और यही दर्द और तकलीफ़ जो है आपको और ज़्यादा बेचैन कर रही है, मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हो। कभी कभी तो ठीक है अपने आप को संभाल ले रहे हो, खुश हो, बट कभी कभी काफ़ी मतलब कि एकदम से ज़्यादा हो जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि संभाले नहीं संभल रही हैं। ठीक है,
और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, आपका आपका दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, पहले इन्होंने कभी ऐसा नहीं बिहेव किया था और अचानक से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर की वजह से आपको बहुत बहुत दुख पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील कर रहे हो अपने आप को, मतलब कि जो पर्सन का बिहेवियर है उसकी वजह से अपने आप को भी, मुझे लगता है ना कि आप गिल्ट फील कर रहे हो कि अरे क्या यही है वो प्यार, या क्या यही वो पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था, या फिर क्या ये वही पर्सन है जो जिसने मेरा हर जगह साथ दिया, मैंने इसका साथ दिया और जब मेरे साथ देने की बारी आई तब ये पर्सन पीठ घुमा के जा रहा है। आप तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हो, ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे भी रीडिंग लेनी चाहिए, मुझे भी जो है ना जानना चाहिए इस रिलेशनशिप की सच्चाई जाननी चाहिए, इस रिलेशनशिप में आखिर है क्या, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों ये बंदा जो है ना मेरे साथ ऐसा कर रहा है, आपको जानने की बेचैनी है क्योंकि आप सोए नहीं हो, एक तो काफ़ी दिनों से सोए नहीं हो अच्छे से और तकलीफ़ पे तकलीफ़ तकलीफ़ पे तकलीफ़ वही मुझे नज़र आ रहा है। यही कभी कभी अपने मन ही मन में उस पर्सन को कोस भी रहे हो कि जिसे होता ना कि ठीक है तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, कल तुम्हारे साथ भी होगा, इस तरह की एनर्जी दिखती है कि कोसा जा रहा है, कुछ लोग कोस रहे हैं कि तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किसी भी पर्सन के साथ करो, तुम देखना तुम आओगे तो मेरे पास, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी चाहत है कि हाँ आप जाओ आगे इस रिलेशनशिप में, तभी तो आपने इतना इतना कुछ किया है इस पर्सन के लिए। लेकिन इस पर्सन का देखो कितना आपको लग रहा है कि कितना एहसान फरामोश है ये पर्सन कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा किया और वो भी इस टाइम, आप ये सोच सोच करके और ज़्यादा रो रहे हो, तकलीफ़ हो रही है आपको। और दिखता है जैसे कि आपके आपके जो पार्टनर है ना, आपके हालातों को कहीं हद तक ये जानते भी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हालातों को वो जानता है क्योंकि आपने कहीं हद तक फ़ोन करके उसको उस पर्सन को बोला भी है कि हाँ मतलब कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। लेकिन इस पर्सन ने जो है ना आपकी एक नहीं सुनी है ना, आपको यही लग रहा है कि इतना इतना गंदा बिहेवियर कैसे कर सकता है वो मेरे साथ, कैसे कर सकती है वो मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है या खेल रही है वो। लेकिन आप जो है ना उस वक्त उस पर्सन पे गुस्सा हो रहे हो लेकिन बाद में फिर जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग करने लग रहे हो, जाने दो कोई बात नहीं, मैं प्यार करता हूँ ना, मैं प्यार करती हूँ ना, आप ये सोच करके जो है ना फिर से इस पर्सन का वेट करने लग रहे हो, ठीक। और नहीं हो रहा है चीज़ें, नहीं हो रही है चीज़ें सही, कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आप श्योर भी हो, कई लोग जानते भी हैं कि हाँ ये बंदा ये बंदी जो भी है थर्ड पार्टी में है, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, लेकिन नहीं हो रहा है आपसे, आप फिर भी अभी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, है ना। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, कमी आपकी यही है, प्यार बहुत करते हो आप, और वो भी इस पर्सन से जिसको आपकी कोई परवाह नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस पर्सन से प्यार करती हूँ जिसको जो है ना मुझसे कोई लेना देना नहीं, मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस बस मेरे साथ हैं, मेरे लिए हैं,
ठीक है, सो ऐसा मुझे दिख रहा है आपकी इस रीडिंग में, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को मैं देख पा रही हूँ। अब मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की फीलिंग्स को, ठीक है, कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वो आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, सो मैं तो देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना कठोर है ये पर्सन, क्या इसको महसूस होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो चलो फिर करते हैं। आपके पर्सन के लिए मैं दूसरी कैंडल जला रही हूँ। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, इश्क की गहराई में। ओके, सो ये पर्सन मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है कहीं और, ठीक है। मुझे लगता है कि इनके घर, इनके यहाँ शादी है, इनके रिश्तेदार के घर शादी है, कहीं तो ये बिजी है पर्सन, ठीक है। और ऐसा भी है कि ये पर्सन जो है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है, फ्रेंड्स के साथ घूमने में, पार्टी करने में, इधर जाना उधर जाना, है ना, ये कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुझे, मैंने गुनगुनाया भी सॉन्ग था, मुझे तुम याद आते हो। सो वो सॉन्ग जो है ना, मैं गुनगुनाते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है, आप गुनगुना रहे हो। बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन, देखो जो भी मुझे फील होगा वो मैं बोलूंगी, राइट रॉन्ग जो भी, ठीक है। ओके, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, अब थर्ड पार्टी की तरफ इनका खिंचाव हो रहा है, इसलिए ये पर्सन जो है ना आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी फैमिली है या फिर कोई अदर पर्सन है, लेकिन इस पर्सन का खिंचाव थर्ड पार्टी की तरफ हो रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ ये पर्सन खींचे चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए इनके अंदर अब फीलिंग्स आ गई हैं, थर्ड पार्टी के लिए जो है ना अब ये पर्सन एक्शन पे एक्शन, एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं। वहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक। और आप जो है ना समझ नहीं पा रहे हो क्यों ये कर रहा है ऐसा, क्यों कर रही है ये ऐसा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल कर रखा है, थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए ये पर्सन जो है ना यहाँ पे उनके काबू में है, उनके कंट्रोल में है, इसलिए ये पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। काफ़ी जेलेसी भरी है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी जेलेसी डाली गई है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ना, पहले तो बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब लड़ाई झगड़े क्यों, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी अपना जो है ना पूरा काम कर रही है ये थर्ड पार्टी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में हैं, और ये पर्सन अभी जो है आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका रोना इनके सामने नहीं हो पाता, नहीं ये उस चीज़ को समझ नहीं पाते। इनको गुस्सा आता है जब आप के बारे में, जब वो रोना और वो चेहरा दिखता है ना, तो इनको गुस्सा आता है एक अलग सा, कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सीरियस थे पहले, लेकिन अचानक से इनका माइंड जो चेंज हुआ है कुछ टाइम से, अचानक से जो इनका माइंड चेंज हुआ है, आप देख करके एकदम से कहते हैं ना कि जैसे कि हताश हो जाना, वही हो, हताश, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना चेंज होगा ये पर्सन, लेकिन अचानक से इतना चेंज हो गया, अचानक से इतना चेंज, इतना बदलाव आता है क्या किसी में,
तो ये मुझे नजर आता है इस पर्सन का, और ये दिख रहा है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन जो है ना, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस दिखाई तो देते हैं इनको सपने में कि हाँ आप रो रहे हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो, लेकिन ये पर्सन बस सपना समझकर भूल जाते हैं उसको और अपनी दुनिया में ही जो है ना ये पर्सन जी रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी पूरा जो है इनके माइंड पे कंट्रोल किए हुए हैं। अब ये पर्सन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहर है, जहर। ये पर्सन आपको कई बार, इस पर्सन ने आपको बोल दिया है कि हम और तुम नहीं एक हो सकते हैं। पहले तो बोला कि तुम्हारे साथ ही मुझे जीना है, तुम्हारे साथ ही मुझे मरना है, तुम्हारे साथ ही मेरी खुशियां हैं, लेकिन अब जो है ये पर्सन बोल रहे हैं कि नहीं, तुम अलग हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मेरी नहीं जमेगी। ये पर्सन जो है ना ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट में बताना ज़रूर है ऐसे बिहेवियर इस पर्सन के। आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है इस पर्सन को आपके ऊपर। ये पर्सन सोचते भी हैं कि हाँ, मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ, इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों दिखाता हूँ। फिर कहते हैं कि उसी की गलती है, उसी की गलती है, वही करता है, वही करती है, मैं उसी के कारण से जो है ना इतना गुस्से वाला हो गया हूँ, गुस्से वाली हो गई हूँ, सब उसी के कारण से हुआ है। ये मुझे ये नजर आता है कि ये पर्सन अपने आप को जो है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि तकलीफ में है ये पर्सन, तकलीफ मुझे नजर नहीं आ रही है, बस दिख रहा है कि ये पर्सन इतना एटीट्यूड में है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, समझने को ये पर्सन तैयार नहीं है, एकदम से तैयार नहीं है। ये पर्सन जो है ना आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर अभी नहीं करने वाले हैं। मैं क्लियरली बात बोलूँगी, ठीक है, क्लियरली बात नहीं है ये पर्सन उस हालत में कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर करे, और आप बैठे हो कि आ जाएगा ये पर्सन, कल आएगा, लेकिन ये पर्सन तो कहीं और बिजी है। इस पर्सन के हो सकता है कि बच्चे भी होंगे, शादी भी हो गई होगी, ठीक है। सो मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन का कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एटीट्यूड है इस पर्सन में, ईगो बहुत ज्यादा है, और अपने एटीट्यूड, अपने ईगो की वजह से इस पर्सन को अपनी अपना रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा है, आपके साथ का प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो मैं यही कहूंगी, अगर ऐसा पर्सन है आपका, मेरा मतलब कि मैं अपनी पर्सनल एडवाइस बता रही हूँ, आपको लेनी हो तो लो, नहीं लेनी है मत लो। अगर ऐसा है, देखो सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि हमें किसी के प्यार के लिए जो है ना, किसी के, अगर हम किसी से इतना प्यार करते हैं तो हम उसके सामने रो के हम नहीं कहेंगे प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं नहीं जी सकती, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, नहीं, क्यों? अरे वो वैसा है, उसकी सोच वैसी है कि वो ऐसा कर रहा है। आप तो वैसे नहीं हो ना, आप तो अनमोल हो, अनमोल ही हो ना, तभी तो रिश्तों की पहचान जानते हो, रिश्तों की अहमियत जानते हो, वो बंदा रिश्ते की अहमियत ही नहीं जानता, नहीं जानती, तभी तो वो ऐसा कर रहा है ना, कर रही है। तो किसी के सामने गिड़गिड़ाकर, भीख मांगकर अगर किसी का प्यार पाना हो तो वो भीख होगी, भीख, ठीक है। और उसके साथ आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं, ठीक ना। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर ये पर्सन ऐसा कर रहा है, आपको पलट के नहीं देखना चाहिए, आपकी अपनी, आपका अपना है
आपको ईश्वर ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसको पहचानो ना। किसी के पीछे भागने से क्या फ़ायदा? किसी के पीछे भाग के किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है, बाद में उसको ठोकर ही मिलेगा। आप कितना लाख भागते रह जाओगे, लाख भागते रह जाओगे, ये पर्सन आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, देख लेना। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है ना, आपको अपने ईगो के नीचे दबा हुआ पाएगा। इसको हमेशा घमंड हो जाएगा कि ये मेरे सामने गिर के आया था, गिर के आई थी। तो अपनी वैल्यू को पहचानो, ठीक है? अपनी वैल्यू को पहचानो, ना कि अपने को किसी और के सामने झुकाओ। वो जिसके जिसको कद्र नहीं है, आपके माता पिता हैं उनके सामने झुको, और किसी के सामने मत झुको, ठीक है? आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।